कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपी और एआईपी में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा बात करेंगे क्या छोटे गाड़ी को नेशनल परमिट लेना जरूरी है, अगर है तो कितना कमा सकते हैं और कैसे लेना है छोटे गाड़ी को नेशनल परमिट। तो यहाँ पे दोस्तों बात की जाए कि एनपी और एआईपी यानी कि नेशनल परमिट और ऑल इंडिया परमिट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात यह है कि कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल इंडिया परमिट का मतलब ऑल इंडिया और नेशनल परमिट का मतलब भी वही होता है, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी डिफरेंस है मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेशनल परमिट का मतलब ये नहीं कि आपका इंडिया से बाहर कोई ट्रक लेके जाता है लोड करके या बस लेके जाता है या टैक्सी लेके जाता है जो उसको इंटरनेशनल हम बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर दोस्तों सीधी सी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि जिसमें माल लोड हो यानी कि ड्राइवर और खलासी के अलावा और सिर्फ माल ही माल हो, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट और उस स्टेट से दूसरे स्टेट में जहां भी जाना है वो सिर्फ माल ही रहो, ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ ना हो, तो उसे नेशनल परमिट कहते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया परमिट में जैसे बस आ गए, टैक्सी आ गए, कार्स आ गए, बहुत चीज आ गए। बस में भी देखोगे छत्ता के ऊपर आजकल बहुत सारे माल जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, मेटेरियल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते रहते हैं। तो ये सब चीज है जो ऑल इंडिया परमिट में आती है। अगर सीधी सी बात की जाए तो यहाँ पे बस, टैक्सी, कार्स वगैरह वगैरह जो भी आते हैं, छोटे गाड़ी, ट्रक भी आते हैं ऑल इंडिया परमिट में। इसके अलावा नेशनल परमिट में सिर्फ माल ही जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाएगा। ऑल इंडिया परमिट में जैसे कि बस में देखो होंगे आपने बहुत ज्यादा स्टिकर देखा होगा एनपी और एआईपी, तो एआईपी सिर्फ आपको बस में, टैक्सी में, सब चीज में मिलेगा, लेकिन एनपी सिर्फ आपको ट्रक्स में मिलते हैं, यानी कि वो ट्रक्स में ही जाएगा सिर्फ नेशनल परमिट का। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए कि अगर नेशनल परमिट और ऑल इंडिया परमिट का क्या जरूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है। ये आपके ट्रक ऑनर के ऊपर है कि ट्रक ऑनर लेना चाहता है कितना उसका गाड़ी रनिंग होता है बाहर के स्टेट में, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, जहां जहां जाता है कितना रनिंग होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रक ऑनर को कि वो नेशनल परमिट ले या नहीं ले, ठीक है। अगर लेना है तो आपको व्हीकल ऑफिस में जाइए और वहां पे बात कीजिए, वहां पे आपको नेशनल परमिट मिल जाएगा, ऑल इंडिया परमिट मिल जाएगा, स्टेट परमिट मिल जाएगा, सब चीज मिलेगा आपको व्हीकल ऑफिस में, ठीक है। अब यहां पे बात की जाए कि छोटे गाड़ी से क्या आप नेशनल परमिट लेते हो तो कितना कमा सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों बात की जाए कि नेशनल परमिट लेने से ही तो आपको कमाई होने वाला है, क्योंकि आपका जो स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, उस स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो आपका अर्निंग होगा ही यार, अब छोटे गाड़ी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो ट्रक ऑनर को झेलना पड़ सकता है और ड्राइवर है आपको झूठ बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ड्राइवर अच्छा रखना पड़ेगा। अगर नहीं भी है तो उसका भी सोल्यूशन एक है मेरे पास। तो मान लीजिए एक कोलकाता जहां मैं रहता हूँ, यहाँ से मुंबई के लिए गाड़ी जा रहा है, ठीक है, छोटा गाड़ी लेके जा रहा है वो, चाहे टाटा एस हो, महिंद्रा का पिकअप हो या मैक्सिमो, जो भी गाड़ी छोटा गाड़ी में हो, वो लेकर जा रहा है मुंबई गया है, बोला मेरे से मुंबई जा रहा है, लेकिन वहां से वो फिर पुणे का एक टिप मार लिया, फिर पुणे से फिर मुंबई आया, लेकिन पुणे का आपका टिप नहीं बताया। तो यहाँ पे क्या कर सकता है कि ये तो पैसा आपका बेकार गया ना, नेशनल परमिट अगर ले लेते बाई दे तो इसमें आपका तो लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जीपीएस निकल गया है, जीपीएस से आप उस गाड़ी में लगा दो कुछ ऐसा जगह लगाओ जहाँ पे उसको ड्राइवर को पता ना चले, और उसके बाद आप मोबाइल ट्रैक कर सकते हो, उससे फोन करके बोल सकते हो मैंने यहाँ बोला था तो वहाँ क्यों गया, और वहाँ गया हो तो उसका ट्रिप का पैसा दो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि नेशनल परमिट लेना जरूरी है क्या छोटे गाड़ी को। तो यहाँ पे देखो जिसका ग्रोस वेट होता है, जो भी गाड़ी है जिसका ग्रोस वेट 3 टन से कम हो, उसको तो नेशनल परमिट मिलेगा ही नहीं। और कोई जो दलाल लोग बहुत सारा भरा हुआ है वो आपको बोल सकता है कि हाँ नेशनल परमिट मिलेगा आप ले लो, तो वो सब पैसे खाने वाला चीज़ है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, कोई भी आप नेशनल परमिट लेना चाहते हो तो पहले आप आरसी देखें अपने कार्ड का, अपने गाड़ी का, कि आरसी में 3 टन यानी 3000 kg का ग्रोस वेट, मैं वेट नहीं बोल रहा, ग्रोस वेट जो होता है 3 टन से कम है या नहीं। अगर कम है तो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको स्टेट परमिट भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पे चलते हो उसका सिर्फ टैक्स देना है, जिस स्टेट का सिर्फ टैक्स देकर ही आप चला सकते हो, ठीक है। अब अगर गाड़ी आपका बहुत ज्यादा रनिंग हो रहा है आउट ऑफ स्टेट में, तो आप जो उस स्टेट का टैक्स देकर ही आप जा सकते हो, ठीक है। अगर आपका 3 टन से बेसी है तब आप वहां पे कोई कोई जैसे गाड़ी महिंद्रा का पिकअप है जो 3 टन के ऊपर है, उसको नेशनल परमिट मिल जाता है, ऑल इंडिया परमिट मिल जाता है। तो ऐसा आपका है ना कि अगर 3 टन से बेसी है आपका वेट है तो आपको नेशनल परमिट मिल जाएगा और आप आसानी से रनिंग करा सकते हो, ठीक है। और उसके 3 टन से नीचे है तो आपके बहुत सारे दलाल बोलेंगे कि आपको लगेगा ही झूठ मूठ का, लेकिन ऐसा कुछ रूल में नहीं लिखा गया, आर्टिकल 66 जो मोटर व्हीकल्स का है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो आप आसानी से चला सकते हैं आउट ऑफ स्टेट और नेशनल परमिट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कमाई की बात की जाए तो अच्छा कमाई नेशनल परमिट पे, और अगर आप चलाना चाहते हो आसानी से चलाओ, जीपीएस लगा लो और कोई टेंशन की बात नहीं है, जितना टिप मारेगा आपको नजर आएगा, और यहाँ पे स्टेट में तो और आसानी से करा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अपने छोटे गाड़ी को नेशनल परमिट चाहिए तो कैसे चाहिए, ठीक है, आपको डायरेक्ट व्हीकल ऑफिस में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर, और नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरे को आगे मोटिवेट मिलेगा, और इसके बाद लाइक्स भी जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर प्रीवियस वीडियो कुछ नहीं देखा है तो कमेंट्स करके बताओ कि मुझे क्या चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।